हेलो साथियों, ए टू जेड क्लास में आपका स्वागत है। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल हम लोगों ने पढ़ा था पावलो का जीवन परिचय, कि पावलो ने क्या किस तरह से अपनी लाइफ में किस तरह से पढ़ाई लिखाई वगैरह किया था। आज हम उसी के थोड़े से अगली वाली कड़ी में पढ़ते हैं कि पावलो का प्रयोग, जिसको इवान पेट्रोविच पावलो कहते हैं, ठीक। और इनका प्रयोग जो हुआ था किस पे हुआ था भाई? यान पावलो ने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे ना? हाँ, बिल्ली पे। बहुत सही। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। कुत्ते पे। कुत्ता किस प्रकार का था भाई? कुत्ता एक साधारण सा कुत्ता था, सिंपल सा कुत्ता था। वाइट कलर का कुत्ता था और हल्की हल्की कुछ ब्राउन कलर की बूंदे थी उस पे। एक तरह से कहा जाए तो प्योर वाइट कुत्ता था, क्योंकि ये रूस में कुत्ते मिलते हैं और वहाँ के जो कुत्ते होते हैं लगभग 95% वो वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ के कुत्ते वाइट कलर के। और साधारण सा कुत्ता चुने थे, कोई स्पेशल कुत्ता नहीं कि पामेरियन, जर्मन शेफर्ड, इस तरह के कुत्तों को नहीं चुना था। वहाँ के जो सिंपल से कुत्ते होते हैं उसको चुना था। और उन्होंने इस तरह से कुत्ते को चुना अपने प्रयोग के लिए। और प्रयोग के लिए जो सिद्धांत को प्रतिपादित किए, उस सिद्धांत का क्या नाम है जल्दी बताइए? सिद्धांत का नाम, सिद्धांत का नाम जल्दी बताइए, क्या नाम था इनके सिद्धांत का? अनुबंधित, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित। इनके सिद्धांत का एक और नाम है शास्त्री, शास्त्री अनुबंधन का सिद्धांत। इनके एक और सिद्धांत को इस नाम से जानता है, आर सिद्धांत। आर टाइप का जो सिद्धांत है इन्होंने दिया था। क्यों आर टाइप का भाई? क्योंकि ये उद्दीपक को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि कोई जरूरी नहीं है कि उद्दीपक रहे तो ही क्रिया होगी। ऐसा कोई भी जरूरी कार्य नहीं है कि उद्दीपक रहे तभी क्रिया होगी, बिना उद्दीपक के भी क्रिया हो सकती है, सहज अनुक्रिया किया करवाया जा सकता है। क्योंकि ये किस फॉर्म को मानते थे? सी अयस यू यस, मतलब सी एस का मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस और ये यू एस का मतलब अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या होता है भाई? एक प्रति अनुबंध, अनुबंध मतलब शर्त के अनुसार, शर्त, ठीक। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक एक कह सकते हैं। और यहां अनकंडीशनिंग मतलब किसी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं, कोई अनुबंध नहीं, यानी बेशर्त, बेशर्त उद्दीपक। इस तरह के ये सिद्धांत दिए थे। ये कहते थे कि किसी भी कार्य को जो सहज क्रिया है उसको सीएस के माध्यम से भी करवाया जा सकता था, इसीलिए कि उद्दीपक को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अगर आप आपसे प्रश्न पूछा जाए कि व्यवहारवादियों में ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो उद्दीपक को महत्वपूर्ण नहीं मानता है, तो आपका उत्तर होगा पावलो। लिख लीजिए, उद्दीपक महत्वपूर्ण नहीं। ये पावलो महोदय ने कहा कि हमारे सिद्धांत के लिए उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर हम वो बिना उद्दीपक के भी अपना काम चला सकते हैं। तो उन्होंने अपना प्रयोग किया। प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पे। कुत्ता किस प्रकार था? तो उन्होंने एक
लकड़ी का बॉक्स बनवाया, लकड़ी का एक चैम्बर बनवाया, बॉक्स ना कह के चैम्बर, जो चारों तरफ से खुला हुआ था, ठीक, लकड़ी का बनाया है जो चारों तरफ से खुला था, उनकी तरह नहीं कि पूरी तरह पैक था, थांडाइक और स्किनर की तरह नहीं कि जो पूरी तरह पैक था, इनका जो था प्रयोग खुले स्थानों पर था, मतलब कुत्ता खुला हुआ था और जो कुत्ते का प्रयोग कर रहे थे ये अपने घर में बनाए थे प्रयोगशाला, इनका घर का जो प्रयोगशाला था वो साउंड प्रूफ था, साउंड प्रूफ का मतलब किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज़ नहीं आ सकती थी, इनका घर जो था वो दो मंजिल का था, ऊपर वाली मंजिल पे ये रहते थे और नीचे वाली मंजिल में इन्होंने कुत्ते के लिए प्रयोगशाला बनवाया था, जब कुत्ते के लिए प्रयोगशाला जो बनवाया था वो साउंड प्रूफ था, बाहर की कोई आवाज़ से कोई अटैच नहीं था, मतलब वहाँ पे एक सुई भी गिर जाती है तो उस रूम में पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं सुई गिरी है, कुछ हल्की सी भी आवाज़ आती है, एक तरह से कहा जाए कि सांस कोई थोड़ा सा तेज लेता हो तो भी पता चल जाएगा कि कोई सांस ले रहा है तेज़ी से, तो उस तरह का इन्होंने रूम अपने प्रयोग के लिए बनाया, क्योंकि ये डार्विन के साथ मिलके बहुत सारे प्रयोग की, डार्विन के साथ रह के बहुत सारे प्रयोग को देखे थे, प्रयोग को करने के लिए, क्योंकि ये कभी मुर्गियों का ऑपरेशन कर दिया करते थे, कभी खरगोश का ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि एक सर्जन थे, ये ऑपरेशन कर दिया करते थे, और इसको एक प्रश्न पूछा था कि ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप कहेंगे शरीर विज्ञान मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, एक बार यही प्रश्न पूछा था कि ये किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए शरीर विज्ञान मनोवैज्ञानिक। और अब आते हैं इनके प्रयोग पर, इन्होंने एक ऐसे ही प्रयोग के रूप में कुत्ता ऐसे थोड़ा सा गर्दन ऐसे छोड़ दिए थे कि कुत्ता ऐसे गर्दन से झांक सके, जो कुत्ता था ऐसे, कुत्ते का समझ लीजिए मुंह है, एक कुत्ते का मुंह है, एक कुत्ते की आंख है और एक कुत्ता है, हमको कुत्ता बनाने नहीं आ रहा है भाई, जान लीजिए आप लोग, ये लकड़ी का चैम्बर है, लकड़ी का, ये लकड़ी वाला, ठीक, इसके यहाँ पे एक नली फिट की गई है, नली, ठीक, और यहाँ पे एक बीकर रखा गया है जो 50 ml का है, क्योंकि ये जब कुत्ते का सलाइवा है जब निकलेगा तो ये इसी में आके रुकेगा, और यहाँ पे एक इन्होंने घंटी, घंटी कैसे होती है, ऐसे होती है ना घंटी, यहाँ लिख दे रहे हैं घंटी है ये, और यहाँ पे टू फ्लोर का था, यहाँ सीढ़ी है, सीढ़ी सीढ़ी, और यहीं से अपने टू फ्लोर के मकान से ये उतरते थे और भोजन को यहाँ रखते थे। अब इसकी कहाँ एक बार प्रयोग के बारे में विस्तार से मैं बता दूँ, उसके बाद से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता था। अब ये क्या करते थे, इन्होंने घंटी भोजन कुत्ता को बांध दिए थे गले में, एक स्लाइव गर्दन में एक सलाइवा निकलने के लिए एक नली लगा के रखे थे और बीकर में वो सलाइवा इकट्ठा होता था, उससे पता चलता था कि आज कितना सलाइवा निकला कितने एमएल और आज कितना सलाइवा एमएल निकला, तो इससे क्या होता था उनको भरपूर पता चलता था कि कितने एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में पहुंचने पे कितना सलाइवा निकलता है। अब ये प्रयोग करने लगे कुत्ते पे, प्रयोग इनका कितने साल चला भाई, 2 सालों तक चला, ध्यान रखिएगा इनका प्रयोग जो चला 2 सालों तक चला। प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि एक घंटी थी रूम में और एक कुत्ते के रखने के लिए लकड़ी का बनाया था जिसमें से वो गर्दन बाहर निकाल सकता था, इतना स्पेस दिए थे कि गर्दन को बाहर निकाल सकता था, और घंटी बजने के बाद क्या होता था उसको वो भोजन देते थे। ये क्रिया बहुत बार की गई, 2 साल लगभग 1.5 सालों तक वो क्रिया की गई और दूसरे साल तक जाते जाते उसका रिजल्ट आ गया, मतलब ये जब भी घंटी बजाते थे उसके बाद भोजन देते थे, घंटी बजाते थे कुत्ते को भोजन देते थे, घंटी बजाते थे कुत्ते को भोजन देते, इससे क्या हुआ कि जब भी घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, जब भी घंटी बजती थी सलाइवा, भोजन को देख के उसके मुँह से सलाइवा नहीं निकलता, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए उद्दीपक महत्वपूर्ण नहीं है, कुत्ते में जब घंटी बज जाती थी तभी सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, घंटी बज जाती तभी सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था, तो इन्होंने कहा हमारे लिए उद्दीपक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, घंटी बजने के बाद ही सलाइवा उसका निकलता था
और वो सलाइवा एक बीकर के माध्यम से वो स्टोर कर लेते थे। ये प्रक्रिया करीब करीब चली 2 सालों तक। 2 सालों में इनका जो रिजल्ट आया ये सक्सेस हुए कि भाई इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया कि सिद्धांत का नाम भी आपको पता है कि किस टाइप का सिद्धांत है इनका। और उन्होंने एक काम करना शुरू किया कि कुछ दिनों के बाद सिर्फ घंटी बजाते थे, भोजन नहीं देते थे, तो भी क्या होता था, कुत्ते के मुंह से सलाइवा निकलता था। घंटी बजाते थे, भोजन नहीं देते थे, तो भी कुत्ते के मुंह से सलाइवा निकलता था। घंटी बजाते थे, भोजन नहीं देते थे, मतलब क्योंकि घंटी और कुत्ते के बीच एक ऐसा अनुबंध बन गया था कि वो जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनता था सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था। लेकिन जब कुछ समय के बाद घंटी बजाते थे लेकिन सलाइवा उसके मुंह से नहीं निकला। शुरुआती दिनों में तो निकला और भोजन नहीं देते थे, शुरुआती दिनों में घंटी बजाया भोजन नहीं दिए तो भी सलाइवा निकले, लेकिन धीरे धीरे वो अनुबंध क्या हुआ, कमज़ोर हो गया। घंटी बजती थी भोजन नहीं आता था, घंटी बजती थी भोजन नहीं आता था, कुत्ता क्या करता था, धीरे से शांति मार के बैठ जाता था। इसी बीच में घटना ऐसी हो गई कि जैसे जैसे घंटी के साथ अनुबंध कमज़ोर हुआ वैसे वैसे इनकी पैरों की थाप, क्योंकि साउंड प्रूफ रूम था और जैसे ये सीढ़ियों से उतरते थे सीढ़ियों से उस रूम के लिए, तो इनके पैरों से ठप 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 की आवाज़ आती थी। जैसे ठप 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 की आवाज़ आती थी तो उन कुत्ते का अनुबंध अब उनके पैरों से बंध गया। देखते थे कि जैसे मेरी आवाज़ कुत्ता सुनता था वो वहाँ से सलाइवा निकालना शुरू कर देता था, घंटी से ना निकल के अब उसका अनुबंध किससे हो गया था, उनके पैरों की ठप ठप की आवाज़ से हो गया था। कुत्ते का कहा जाता है कि अनुबंध किसी से भी करवाया जा सकता है, एक सही क्रिया सही अनुबंध सही तरीका होना चाहिए, करवाया जा सकता था। ठीक इसी तरह एक इन्होंने फिर उस कुत्ते को कुछ दिन के बाद ट्रेन जाती है ना, तो ट्रेन की टाइमिंग फिक्स होती है तो वो उस टाइमिंग के अनुसार पहुँचते थे और ट्रेन की घंटी की आवाज़ सुनती थी और कुत्ते को उससे अनुबंध हो गया। अब जब भी घंटी ट्रेन की जो घंटी सुनाई देती थी कुत्ते में सलाइवा, हर जगह सलाइवा नहीं निकलता था उसको, या तो वहाँ पर लगा भोंकने लगा यानी अनुबंध जो हो गया, जब भी घंटी बजती थी ये भोंकने लगता था, जब भी घंटी बजती थी भोंकने लगता था। एक समय ऐसा आया कि ठीक जैसा इन्होंने घंटी यहाँ पर प्रयोग कर रहे थे तब भोजन दे रहे थे, भोजन, अब भोजन भी किस तरह का था, हर प्रकार का, कभी अंडा देते थे, कभी मांस देते थे, कभी मछली देते थे, कभी सादा भोजन देते थे, चावल दाल रोटी सब्जी है, ठीक, तो ये नहीं कि इसके लिए कोई स्पेशल भोजन था, सादा भोजन, हर प्रकार का भोजन कह सकते हैं कि था। अब एक इसी तरह की घंटी, एक जगह ये जा रहे थे ठीक, तो वहाँ घंटी की आवाज़ सुनाई दी। अब कुत्ते अभी शुरुआती में प्रयोग ही कर रहे थे, कुत्ता वहाँ पे सलाइवा निकालना शुरू कर दिया, घंटी जैसा ये प्रयोग करते थे वहाँ भी इसी तरह की घंटी बजी तो कुत्ते के मुंह से बहुत सारा सलाइवा निकलना शुरू हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि CS और US में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध हुआ, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच एक अनुबंध ऐसा बना कि कुत्ते को उस रूप में ढाल दिया गया। तो ये थांडा एथी इस पावलो महोदय ने ये सारी चीज़ें बताई और इन सारी चीज़ों के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया कि एक छोटे बालक को आप किसी भी रूप में बता सकते हैं। क्यों, समझ में आया, नहीं समझ में आया लगता है, एक बस आपको इतने देर में हमको लगता है कि बस कुत्ते पर प्रयोग किए थे यही समझ में आया, लेकिन एग्जाम में कुत्ते का प्रयोग नहीं पूछेगा भाई, ये पूछेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, चाहे इसकी मतलब होता क्या है। तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझा दी और प्रयोग को अपनी एक व्याख्या के माध्यम से बता दिया। मुझे बहुत अच्छा कुत्ते का चित्र नहीं बनाने आता है, तो मैं जिस तरह से मुझे समझ में आया तत्काल की परिस्थितियों को लेके मैंने बताया कि घंटी के साथ भोजन आता था, उसके बाद भोजन ये ग्रहण करता था, कुछ समय के बाद भोजन घंटी बजती थी भोजन नहीं देता था तो भी काम चलता था। तो ये तो रही आज की क्लास, तो कल के क्लास में हम CS और US के बीच में किस तरह से संबंध होता है उसके बारे में बहुत सारे डिटेल से और जानेंगे। अभी तक तो मैं सिर्फ प्रयोग के बारे में आपको रोक रहा हूँ कि भाई प्रयोग जान लीजिए, एक ही दिन में कहते हैं ना खाना ज़्यादा खा लेंगे तो पचेगा नहीं भैया, अगर खाना भूख जितनी लगी हो उतना खाना खाओगे तो ठीक है, लेकिन खाना ज़्यादा खा लेंगे तो बिल्कुल पचेगा नहीं, उल्टी हो जाएगी, किसी न किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, किसी न किसी कारण से आप वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो, और अभी तक जितने लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो मेरी कक्षा की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उनका भी धन्यवाद, और जो मेरे खासम खास स्टूडेंट हैं जो कहते थे कि सर क्लास लीजिए मैं आपके क्लास में उपस्थित होऊंगा, और उनकी डिमांड के साथ, बहुत सारे लोगों के डिमांड के साथ मैं यहाँ पे उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और वो क्या कर रहे हैं भाई, मैं ऑनलाइन के माध्यम से उनके घर तक पहुँच रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, आज देख लेंगे कल देख लेंगे, और वीडियो में आके हाजिरी लगा के गायब हो जाते हैं। पूरी वीडियो को देखिए, पूरा लाभ उसका उठाइए, और जितने भी मेरे स्टूडेंट और व्यूअर हैं मैं उनको कहूँगा कि ये पूरी वीडियो पूरे सेशन तक देखें और पूरा का पूरा लाभ उठाएं, ऐसा कुछ भी ना आप करें जिससे आपका नुकसान हो, ठीक है। तो आज का वीडियो जैसा भी लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।